फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, बस कुछ ही दिनों में फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और हम सभी इसकी प्रिपरेशन करना पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। मेरी तरह आप लोगों ने भी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा कि इस दिवाली हम अपने घर को कैसे डेकोरेट करेंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ 3 DIY दिया डेकोरेशन आइडियाज़, जिनकी हेल्प से आप भी अपने घर पर बहुत ही ईजिली दिए को डेकोरेट कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले DIY के लिए मैं एक बड़ा दिया ले रही हूँ, आप कोई फैंसी दीपक भी ले सकते हैं। इसको हम सबसे पहले फैब्रिक कलर से पेंट करेंगे। पेंट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी कलर का कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेंट के डबल कोट का अप्लाई किया था और अब ये ड्राई हो गया है। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं स्मॉल साइज के मिरर का यूज़ करूँगी, जिनको मैं ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। ये हमने पूरी दिए को मिरर से कवर कर दिया है, अब हम इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। दिए के नीचे आउटिंग के लिए मैं ये पर्लिस का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं ग्लू गन की हेल्प से दिए के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। दिए को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पेप्स के बंच ले रही हूँ और कुछ फ्लावर्स लूँगी, जो आपको ईजिली किसी भी क्राफ्ट शॉप पर मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं एक टी लाइट कैंडल को दिए के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद कैंडल के चारों तरफ मैं फ्लावर और पेप से डेकोरेट करूँगी। और ये हमारा फैंसी दिया रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसको बहुत ही इजीली घर में डेकोरेट कर सकते हैं, आप इसको सेंटर टेबल के ऊपर या रंगोली के सेंटर में रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड DIY के लिए मैं MDF राउंड शेप का कटआउट ले रही हूँ, जो आपको इजीली किसी भी क्राफ्ट शॉप पर मिल जाएगा। आप इसकी जगह कोई कार्डबोर्ड का पीस भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं लूँगी एक स्मॉल साइज का दिया, जिसको हम डेकोरेट करेंगे। कटआउट को सबसे पहले मैं गोल्डन पेंट से पेंट करूँगी, इसके लिए मैं फैब्रिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। दोनों ही चीज़ें पेंट हो गई हैं और ड्राई भी हो गई हैं, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ पिंक और ग्रीन कलर के स्टोन्स का यूज़ करूँगी इसको डेकोरेट करने के लिए। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनके कलर चेंज भी कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं। और प्लेटर की साइड के स्टोन्स पेस्ट हो गए हैं, अब हम इसको बीच में से डेकोरेट करेंगे। इसको बीच में से डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ वाइट पर्ल और स्टोन का यूज़ कर रही हूँ। मार्केट में आपको इन्हीं शेप की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी पेस्टिंग के लिए और डेकोरेशन के लिए। स्टोन की आउटिंग के लिए मैं इस बॉल चेन को पेस्ट करूंगी। और ये हमारा दिया प्लेटर रेडी हो गया है। इसको रेडी करने के बाद अब हम स्टोन को डेकोरेट करेंगे। सेम मटेरियल से अब मैं दिए को भी डेकोरेट करूंगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न दिए के ऊपर बना सकते हैं या किसी भी लेस से इसकी आउटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टोन चेन और स्टोन के साथ दिए को डेकोरेट किया है और ये हमारी प्लेटर और दिया दोनों रेडी हो गए हैं। आप इनको रंगोली के सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। थर्ड DIY के लिए मैं स्मॉल मटकी ले रही हूँ, जिसके ऊपर मैंने व्हाइट पेंट का फर्स्ट कोट अप्लाई किया है। सेकेंड कोट मैं रेड कलर का रखूँगी, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी कलर का इसको पेंट कर सकते हैं। पेंट ड्राई हो गया, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे गोल्डन पेंसिल लेस ले रही हूँ। आप चाहे इस तरह का कोई भी बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मटकी के ऊपर ग्लू गन की हेल्प से लेस को पेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद नीचे एक लेयर हम लेस की पेस्ट करेंगे। दोनों साइड लेस पेस्ट करने के बाद अब हम इसको डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैं ग्रीन कलर के स्टोन का यूज़ कर रही हूँ, उनको भी मैं ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट करूँगी। स्टोन पेस्ट करने के बाद अब हम बॉल चेन से इसकी आउटिंग करेंगे। ऊपर की आउटिंग के बाद अब हम लेस को सेंटर में भी पेस्ट करेंगे। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग किसी भी तरह के स्टोन या डेकोरेटिव मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से पैटर्न बनाने के बाद नीचे डेकोरेशन के लिए मैं मिरर और वाइट पर्ल का यूज़ कर रही हूँ। और ये हमारा छोटा सा मटकी कैंडल होल्डर रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसको आप टीलाइट कैंडल होल्डर के साथ रंगोली के सेंटर में या टेबल सेंटर के लिए भी डेकोरेट कर सकते हैं। सो
डेट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई रियली होप यू लाइक द वीडियो. आज की वीडियो से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे फेस्टिव सीजन से रिलेटेड, और बहुत सारी वीडियो चैनल पर आने वाली हैं. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट अंडर दिस वीडियो. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वन.